ईवे मशीन जैसे मैंने कहा 99 में शुरू हुई थी, 98 में शुरू हुई थी और बढ़ के आगे 2002 में पूरे स्टेट के इलेक्शन में हुए और फिर 2004 से आगे पार्लियामेंट में भी चालू हो गए। इसमें ये नहीं मैं कहूंगा कि 98 में किसकी सरकार थी, 99 में किसकी सरकार थी, 2002 में किसी सरकार में किसी सरकार पर दोष नहीं लगाना चाहता हूं। एक अच्छी उम्मीद के साथ कि भाई अगर मसल पावर को लाना है, खत्म करना है तो ईवीएम सिस्टम, लेकिन इस ईवीएम सिस्टम पर भी अब कहीं ना कहीं शक बढ़ गया लो, और शक आज दुनिया बहुत छोटी है। आज अगर कहीं किसी को सर दर्द भी होता है तो गूगल देखता है, पेट दर्द होता है तो गूगल देखता है, पता नहीं हमारा डॉक्टर ठीक कह रहा है कि कोई दूसरा अमेरिका का डॉक्टर, बर्तानिया का डॉक्टर दूसरी चीज कहता है तो वो गूगल को रेफर करता है, डॉक्टर को कम रेफर करता है। तो इसी तरह से ईवीएम, वो चाहे लंदन और अमेरिका में भी हमारे डॉक्टर है, फिक्र मत करिए। अमेरिका में एज एक्स हेल्थ मिनिस्टर बताऊंगा 85,000 है अमेरिका, 85,000 हमारे डॉक्टर्स अमेरिका में हैं और 70,000 लंदन में हैं। इसलिए वहां भी जब जाते हो तो अपने डॉक्टरों के पास, वो भी हमारे डॉक्टरों के पास ही इलाज करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट आई सेड, देयर आल्सो वी गो टू आवर डॉक्टर्स ओनली। सर कहीं न कहीं जब ये ईवीएम हमने कहीं शंका के घेरे में जब आ गया, मायावती जी पहली, उससे पहले बंबई के इलेक्शन हुए, उसमें हमारे सभी पार्टीज के लोगों ने बात की, मायावती जी ने बड़े पैमाने पे किया फिर, और उससे पहले असम के गगोई जी ने लास्ट ईयर इस पे बात की थी, शक उठाया था कि ये ईवीएम में गड़बड़ है। तो मैं सोचना चाहता हूं कि बहुत सारी कंट्रीज ने जिनमें ईवीएम शुरू किया था, ईवीएम मशीन्स का इलेक्ट्रॉन, उनमें से जर्मनी से लेकर इटली से लेकर ये दुनिया भर के कंट्रीज ने, उन्होंने इस सिस्टम को बंद की, उस सिस्टम को बंद किया। पंजाब भी हो सके, शिकायत आप कहीं भी कर सकते, मैं कौन सा, पंजाब की भी शिकायत करिए आप, करिए यूपी का इलेक्शन दोबारा हम भी पंजाब का करें, मैं चैलेंज करता हूं, करिए आप, करिए बगैर वोटिंग आप डिब्बे से करिए यूपी का इलेक्शन, हम भी करें। हाँ करिए, हम तैयार हैं, नहीं गोवा नहीं, यूपी में करिए आप, यूपी एक ही स्टेट में करिए।